आज के वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे आप अपना खुद का स्टिकर बना के दूसरे लोगों को सेंड कर सकते हैं, वो भी आपके मोबाइल के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात स्वागत के साथ। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टिकर मेकर टाइप करना है। स्टिकर्स मेकर टाइप करने के बाद पहला ही आपको आप ये ऐप दिखाना चालू कर देगा। आपको ये इंस्टॉल करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं अभी इसको ओपन कर रहा हूँ। मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपको ये UI दिखना चालू कर देगा। यहाँ पे मैं क्रिएट स्टिकर पैक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे स्टिकर का नेम दे देता हूँ, मैं टेम्प दे देता हूँ और ऑथर टेक बाय स्वागत दे देता हूँ। और जैसे मैं टेक बाय स्वागत दूंगा और क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको दिखना चालू करते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको ट्रे आइकॉन, यानी एक्चुअल में आपका आइकॉन पैक क्या दिखना चाहिए ये यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आपके एक्चुअल स्टिकर्स, यानी कितने स्टिकर्स को ऐड कर सकते हो, या तो बहुत सारे स्टिकर्स को ऐड कर सकते हो, लगभग 30 स्टिकर्स को आप ये ऐड कर सकते हो। तो अपने केस में हम फिलहाल के लिए सिंपली हम पहला वाला स्टिकर सिलेक्ट करते हैं और मैं गैलरी से जाके कोई तो एक इमेज सिलेक्ट करता हूँ। मैं ये इमेज सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं अभी स्टिकर बनाऊंगा। यानी मैं रैंडमली कहीं पे भी उंगली घुमा के ऐसे स्टिकर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे ऐसे दिखाएगा, नो और यस पूछेगा। आपको यस सेव द स्टिकर करके क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करने के बाद ये स्टिकर सेव हो जाएगा फर्स्ट लोकेशन पे। उसी तरीके से मैं दूसरा भी स्टिकर सिलेक्ट करता हूँ और दूसरी जगह पे भी एक इमेज लेके उसको भी मैं रैंडमली उंगली घुमा के सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, और उसके बाद मैं यस स्टिकर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं वापस तीसरे स्टिकर पे जाता हूँ और मैं वापस ओपन गैलरी क्लिक करके गैलरी में जाके एक तीसरी इमेज सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं वापस उंगली घुमा के रैंडमली एक इमेज को सिलेक्ट करके यस क्लिक करता हूँ। अब मेरे यहाँ पे 3 स्टिकर्स हो चुके हैं और मैं ऐड टू व्हाट्सअप कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ID empty है करके ऐसे ही कहेगा, तो यहाँ पे आपको ट्रे आइकॉन देना ज़रूरी है। मैं ट्रे आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। ट्रे आइकॉन पे क्लिक करने के बाद मैं वही इमेज सेलेक्ट करता हूँ जो भी आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं टेम्पररी यही इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इसको ही रैंडमली घुमा के रख देता हूँ। तो ये हो गई मेरी ट्रे की आइकॉन, यानी कि मुझे 3 इमेज स्टिकर्स की और एक ट्रे आइकॉन की इमेज सेलेक्ट करनी है। मैं अभी इसको ऐड टू व्हाट्सअप कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऐड दिखाएगा, आपको बैक प्रेस करना है। सिर्फ बैक प्रेस करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा वी लाइक टू टेम्प इनटू व्हाट्सएप, यानी ऐड करना है कि ये पूछेगा। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा आपको, ये ऐड हो चुका है। ओके पे क्लिक करता हूँ और अभी मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब हम जाके चेक करते हैं कि अपने व्हाट्सएप में वो स्टिकर आया है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टिकर आ चुका है अपना, और ये वाला स्टिकर हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से कौन से भी स्टिकर्स, आप खुद के स्टिकर्स बना के लोगों को भेज सकते हैं, और वो भी आपके एक सिंपल एक ऐप के ज़रिए। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे बताना ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे इस वीडियो के। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।